सर हमें रिजेक्शंस को एम्बरेस करना चाहिए, ना कि रिजेक्शंस आके हमें एम्बरेस कर दे। यू सेइंग रिजेक्शंस को एम्ब्रेस करना चाहिए, एम्बरेस कर देना चाहिए? हाँ हाँ, एम्बरेस कर देना चाहिए। ओह, आई एम सॉरी, गुस्सा नहीं, माइक मत फेंको, मारना नहीं। एक मिनट, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, सीरियसली। मैं अबे रुक जाओ, अरे आखिर पागलों की तरह सर। हाँ, जैसे मेरे को समझने दो। हाँ, रिजेक्शंस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उससे डर के बैठ जाना चाहिए, उसे हम और ज्यादा शाय फील करेंगे। एक्सीलेंट पॉइंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इनफैक्ट ये क्वालिटी आप कोई भी जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके अंदर ये क्वालिटी होनी ही चाहिए, नहीं तो वो खेल ही नहीं सकते। सोचो आपको किस चीज में डर लग रहा है, डर भी कितना फुद्दू सा है कि मैं यहाँ जाऊंगा, इसके आगे कुछ बोलूंगा, यहाँ पे दो लोग खड़े हैं और वो हंस देंगे, ये डर है ना? सोचो उस बंदे के बारे में जो करोड़ों लोगों के सामने, किसी क्रिकेटर की अगर हम बात करें, वहां पर आकर के खेलने के लिए आ रहा है, जबकि उसको पता है वो जीरो पे आउट हो सकता है। उसके बाद क्या क्या किया जाता है ट्विटर पे, यहां पे, वहां पे, उसकी क्या हालत करी जाती है बंदे की। उनको पता है कि दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम, दे कांट एस्केप इट। उनको पता है कि जब मैं खेलने जा रहा हूं तो मैं गालियां पड़ने ही वाली, बट दे नो हाउ टू गेट बैक ऑन द ट्रैक। अब इसको अपनी लाइफ से रिलेट करो, क्या गड़बड़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ बोला, आपका एग्जाम्पल दूं या अपना ही दे दूं? अपना ही दे दूं, मतलब मैं अपना ही मतलब मजाक उड़ाता हूं, है ना? जैसे मैंने कुछ बोला सेशन के बीच में, एकदम से कुछ बोला, कोई जोक क्रैक किया और आप लोग नहीं हंसे, ऐसा हो जाता है? आज भी दो चार बार हुआ है, मेरे को पता नहीं आप में से कितनों को पता लगा, नहीं लगा, होता है नहीं होता है? एक बार पता लगा था, सच बताना आप लोगों को पता लगा ऐसा चार पांच बार आज कब हुआ है? नहीं पता लगा ना? एक किसी ने बोला है कि एक बार पता लगा, वो भी तुक्का मार रही है, पक्का है। कब हुआ था बताना? कब हुआ था? माइक दिया जाए, माइक दिया जाए इनको, कब हुआ था? याद है? ठीक है, याद करो आप, जब याद आ जाए तो मेरे को बताना, है ना? ठीक है, पता है कोई याद नहीं आने वाला। हाँ, क्योंकि वो याद कब आता है, अगर वो होता और मैं एकदम से ऐसा रिएक्शन दे देता, अबे ये क्या हो गया, उसके बाद पूरे सेशन की वॉट लग जानी थी। समझ गए ना कि यही हम गलती नहीं करते हैं कई बार, कि कहीं नई जगह पर गए हैं, नए दोस्तों के बीच में गए हैं, वहां पे कुछ बोला और हमारा मजाक बन गया, उसके बाद में कुछ बोलते ही नहीं है। उनकी बातों पे हंस दो, जो वहां मजाक उड़ाते ना उन्हें, हंस दो और उनके साथ हो जाओ, उसको ठीक करने की कोशिश मत करो और रायता फैलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता लगा है कि मैंने कुछ बोला और वो गड़बड़ हो गई है, तो अब मैं क्या उसको ठीक करने की कोशिश करूं? जितनी कोशिश करूंगा उतना वो और खराब नहीं होता चला जाएगा? आगे बढ़ जाओ फटाफट से, फटाफट से उसको छोड़ दो, ये लाइफ में भी बहुत काम आता है। हमने कुछ किया और फेल हो गए तो वहां पे रोते नहीं रहना है बैठे बैठे, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, वो जो होना तो हो गया, आगे बढ़ो, फटाफट से आगे बढ़ जाओ। ये क्वालिटी जितनी है आपके अंदर, मतलब जितनी जल्दी आप आगे बढ़ सकते हो, उतना ही लाइफ में बहुत आगे जाओगे।